हेलो दोस्तों, वेलकम टू यस दी लवर। आज मेरा बर्थडे है तो मेरे वाइफ वो मुझे कुछ चीज़ गिफ्ट किए है, तो उसको ही हम ये वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे वो क्या है। मेरे वाइफ ये जो गिफ्ट दिए है वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखी है। वो बोले है कि ये तुम्हारे लिए पूरा सरप्राइज़ है, लेकिन ये रिलेटेड टू बाइक है। ये वो थोड़ा बहुत हिंट्स दिया है मुझे, तो इसीलिए मैं ये गिफ्ट को आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इसको देखिए, क्योंकि ये रिलेटेड टू बाइक है। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो दोस्तों, ये दो चीज़ है, ये एक और ये एक, दो गिफ्ट मुझे मिला है मेरे वाइफ की तरफ से मेरे बर्थडे में। तो ये दो आज मैं अनपैक कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये इसको अनपैक करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं ये पैक को अभी खोल के देख रहा हूँ। दोनों ही अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ है। पहले इसको काटता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये दो गिफ्ट को लेकर, क्योंकि मेरे भाई के रिलेटेड गिफ्ट है, मेरे वाइफ ने बोली है, और वो भी एक्चुअली बाइक का बहुत शौकीन है। और ये जो यसडी रोडस्टार मैं ख़रीदा हूँ, परचेस किया हूँ, ये भी उसी का वजह से, क्योंकि वही फर्स्ट इसको नोटिस की थी और कलर भी वही सिलेक्ट की थी। और स्क्रैम में पहले तो क्या था, स्क्रैमलर और रोडस्टार में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वही वो कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट कर दी थी। तो चलिए देखते हैं। वाओ दोस्तों, दिस इज़ अमेजिंग गिफ्ट फॉर मी। क्या बताऊँ आपको, ये देखिए, ये है। इसको कैसे खोलते हैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक अनजिप का एक मशीन है, ऑटोमेटेड है टूल। तो इस टूल को मैं जस्ट इसको खींचूँगा और ये ऐसे अनबॉक्स अनपैक हो जाती है बेसिकली। तो ये है एक राइडिंग ग्लव्स है, वो भी हाफ। देखिए यहाँ पे जो फिंगर साइज है वो हाफ है। वाओ, ऑलिव ग्रीन कलर, या इसको आप मिलिट्री ग्रीन भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है गार्ड दिया हुआ है, और ये सच में बहुत हार्ड है। मतलब आप अगर कहीं पे चोट लगता है तो, मतलब गिर जाते हैं, तो ज़्यादा इंजरी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये बहुत सख्त है। रियली हार्ड दिस इज। एंड यहाँ पे आप बाइक को पकड़ने के लिए जो ये सरफेस दिया है, ग्रिप सरफेस, ये भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये कुछ रबराइज्ड टाइप का मटेरियल है, एंटी स्लिप होगा, अच्छा गुड ग्रिप प्रोवाइड करेगा आपको। तो बोथ आर सेम। एंड यहाँ का जो ये मटेरियल्स है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा एयरेशन में होने में मदद करेगा, ये जो मटेरियल्स है पर्टिकुलरली। यहाँ पर भी ये फिंगर के लिए भी ये मटेरियल्स दिया हुआ है। डिज़ाइन तो मुझे बहुत पसंद आई है, अब देखते ही ये मेरे हाथों में फिटिंग होता है नहीं।
दोस्तों इसको पहनने के बाद मैं एक ही वर्ड मेरे मुंह से निकल आता है, वो है ऑसम और फैंटास्टिक। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन में परचेस करते हो बिना देखे तो एक प्रॉब्लम रहती है, वो है कि आपका ठीक तरह से फिटिंग्स हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है, आप ऐसे लाएंगे, ये जो ग्रिप है ये इतना सख्त नहीं आएगा क्योंकि आपका उंगली यहाँ पे पहले ही अटक जाता है, तो यहाँ तक नहीं आ पाता है। लेकिन इसका जो फिटिंग्स है एकदम परफेक्ट फिटिंग्स है, आप देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं एकदम, देखिए। और ये जो होता है, बहुत सारे ग्लव्स में क्या होता है, बहुत छोटा होता है या तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो छोटा होने से क्या होता है, आपके उंगली को दबा के बैठता है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं, और बड़ा होने से क्या होता है, देखने में ऑड लगता है, एकदम पूरा बकवास लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए कितना अच्छे से ये फिट हुआ है, देखिए। और ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, और मटेरियल तो मैं बोला ही हूँ, ऑसम है मटेरियल। और इतना टाइम अभी मतलब करीब एक मिनट तो हो ही गया है, एक दो मिनट हो गया है, लेकिन अभी भी जो स्वेटिंग कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये एरेशन अच्छा दे रहा है। तो दिस आर ऑसम। एंड ये जो ग्रिप्स का जो पोजीशन है, जैसे ये वाला एकदम वही बोन के ऊपर, वही हड्डी के ऊपर ही पूरा सेट हुआ है, तो इससे पता चलता है ये कितना अच्छा फिटिंग्स बनाए हैं ये कंपनी। एंड दिस इज गुड फॉर राइडर्स। अब दोस्तों जो सेकेंड गिफ्ट मुझे मिला है वो मैं अभी अनपैक करके दिखाऊंगा आपको। देखते हैं ये क्या है, देखने को तो मुझे बैग, वाव वाव, लुक एट दिस, दिस इज अ ऑसम प्रोडक्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है मेरे लिए। क्योंकि आप कहीं पे बाइक लेके जा रहे हो तो एक छोटा पानी का बॉटल और आपका कुछ पर्स, वॉलेट, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स जैसे लाइसेंस वगैरह, ये आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब आप इसमें कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा एक बैकपैक ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जो आपका जो सामान जा रहा है उसका क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन उसको कैरी करने का जो चीज़ है, बैग है, वो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए दिक्कत हो सकता है। या मान लीजिए आप आपके गर्लफ्रेंड या मिसेस के साथ या फ्रेंड के साथ कहीं पे शॉर्ट ट्रिप में जा रहे हो, जिसमें बहुत सारा चीज़ लेने का ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या होता है, आप अगर बैकपैक को ऐसे लेते हो तो एक दोनों के बीच का जो गैप वो थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, तो जो पिलियन राइडर है उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि उसका बैठने का जो जगह होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। या अगर उस बैकपैक को आप सामने लेके कैरी कर रहे हो तो कभी कभी होता है क्या, आपको भी एक अनइजी एज ए राइडर चलाने में मज़ा नहीं आता है या कुछ अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। तो उन लोगों के लिए मेरे सजेस्ट है, ये छोटा सा एक पैक आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें देखिए एक चेन यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे एक जगह है बहुत, देखिए मेरा हाथ कितना घुस जा रहा है, इतना सा घुस रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत सामान कैरी कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक वॉलेट डाल सकते हो, एक मोबाइल डाल सकते हो, इम्पोर्टेंट कुछ कागज़ रख सकते हो। ये जो है इसमें आप, यहाँ पे भी एक जगह है, इसमें आप DL रख सकते हो, आपका ID कार्ड कुछ रखना चाहिए तो वो रख सकते हो, ये इसके लिए है। यहाँ पे दो छोटा पॉकेट दिया है, एक में आप च्युइंग गम रख सकते हो, एक में आप
कैडबरी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आपका की, बाइक का की जो होता है वो आप बाइक को पार्किंग करके इसमें घुसा दीजिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉटल होल्डर दिया है, लेकिन ये बॉटल होल्डर मेरे ख्याल से कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत टाइट है। इसका जो ये माउथ है, ये माउथ का जो बैंड है, ये बहुत टाइट है, तो ठीक है इसमें। लेकिन आप पेन वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिखाता हूँ इसका अल्टीमेट चीज़, वो है, ये है इसका मेन बॉटल होल्डर, जहाँ पे आप करीब एक लीटर का बॉटल भी यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा। लेकिन वो बॉटल ऐसा, मतलब गोल राउंड शेप का ना हो, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का हो, तो आपका एक लीटर बॉटल जो है, एक लीटर का जो आपका बिसलेरी या किनली का जो बॉटल है, वो यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा। और इसका जो ये सिस्टम दिया है, यहाँ पे एक लॉक है, तो आप पहले बॉटल को अंदर डालिए, उसके बाद आराम से इसको प्रेस करके शॉर्ट कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, तो वो बॉटल और नहीं गिरेगा, या आप जब बाइक चला रहे हो तो वो जार्क नहीं करेगा, उतना जंप नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रहा है इसका, वो है, अगर आपको ये बॉटल होल्डर को ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आप कहीं बहुत छोटा जगह में जा रहे हो, ठीक है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको पानी की बॉटल की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली इसको खोलिए, और ये जो है, ये महाशय को आप डिटैच कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसे इसको आप रिचार्ज कर दे सकते हैं इससे, तो क्या होगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएगा, एंड यू कैन कैरी ओनली दिस थिंग, ओके, ये छोटा सा पाउच आप लेकर घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी मैं कहूँगा, ये बैकपैक नहीं है, मतलब आपका ये दो साइड से पीछे या आगे ऐसे पूरा गार्ड होकर नहीं रहेगा। ये जो है, ऐसे लगा लीजिए, तो बाइक में आप जब बैठेंगे ये ऐसे आपका कमर के साथ जुड़ा रहेगा, इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं, तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कमर के साथ जुड़ के भी रख सकते हैं, और एक डिज़ाइन के साथ भी आप रख सकते हैं, वो है, ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, और ऐसे क्रॉस के साथ आप ले सकते हैं, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे बेल्ट के तरह कमर में भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये जो है दूसरी राइडिंग गियर है, जो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से आप लोगों का भी ये काम आएगा, तो ज़रूर इसको एक आपके पास रख दीजिए। तो दोस्तों, मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को, ये ज़रूर कमेंट में मुझे बताएँगे। और मेरा जो ये दो सामान है, दोनों ही मैं अमेज़ॉन से ख़रीदा हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ ESD Lover चैनल में। बाय बाय।